अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कन्वेंशनल करंट। रीडिंग करना शुरू करते हैं। बिफोर द आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कॉन्स्टिट्यूट करंट इन मेटल्स, इट वॉज थॉट दैट करंट इन कंडक्टर्स फ्लो ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। वो कहते हैं कि पहले ज़माने में करंट को सोचा ये समझा जाता था कि वो पॉजिटिव चार्ज की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ऑल्दो हमने पढ़ा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है मेटल्स में, ठीक है। Although, therefore, this convention is still in use, we can understand the concept of conventional current from the following analogies. वो कहते हैं कि ये convention आज भी इस्तेमाल में है, और ये क्यों है ये हम इन examples से देखते हैं। We know that when the ends of a heated copper wire are at different temperatures, heat energy flows from the end at high temperature to the end at low temperature. अब वो कहते हैं कि जब हमें पता है कि एक कॉपर की वायर लें तो उसको एक एंड से हीट करें तो वो दूसरी तरफ हीट जो है वो ट्रैवल करती है। यानी कहने का मकसद है कि हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही होती है। द फ्लो स्टॉप्स व्हेन बोथ एंड्स रीच द सेम टेम्परेचर, और ये तब तक चलता है जब तक कि दोनों एंड्स जो हैं वो सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते, तब तक हीट हमारी ट्रैवल करती है। वाटर इन अ पाइप ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू द लो लेवल। वो कहता है कि पानी है वो उसका भी यही हिसाब है कि वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करता है। Similarly, when a conductor is connected to a battery, it pushes charges to flow current from high potential to a low potential. उसने कहा कि उसके अलावा जब हम एक कंडक्टर को लेते हैं, कंडक्टर ऐसी बॉडी होती है जो कंडक्ट कर सकती है करंट, ठीक है। तो जब हम ऐसी चीज़ लेते हैं जो कि कंडक्ट कर सकती है और उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या करता है कि वो अपने गिर्द एक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर लेता है। और चार्जेस क्या होते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लोअर टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करने लग जाते हैं। द फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कहता है कि ये करंट तब तक चलता रहता है कि वो जब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें मौजूद हो, उस बॉडी के अंदर मौजूद हो, जो कि तब तक होगा जब तक बैटरी पावर्ड अप रहेगी, ठीक है। उसको समझाने के लिए उसने ये वो सर्किट डायग्राम लिया, उसने दिखाया कि एक वोल्टेज सोर्स है जो कि बैटरी है और इसके अंदर की लगी हुई है। की बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक स्विच के तौर पे एक्ट करता है कि जब तक की लगी होती है तब तक वो सर्किट चलता रहता है। जैसे की निकाल लेते हैं तो वो सर्किट बंद हो जाता है, तो उस सर्किट के आगे आ जाता है कंडक्टर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। हमने देखा है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के इसके अंदर से गुजर के कंडक्टर के अंदर से वापस आ जाते हैं इधर। लेकिन हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि मेटल के अंदर से, तो मेटल जितने भी कंडक्टर हैं उनके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है करंट। तो हम क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को ट्रेस करते हैं। वो क्या है कि वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, कंडक्टर के अंदर जाते हैं और वहाँ से बाहर आके दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब आ जाती है कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन। कन्वेंशनल करंट, करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब वो कहते हैं कि ऐसा करंट जो कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, और जब पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं उस वक्त प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट सेम वही काम करता है जो कि बैटरी की वजह से प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, और वो सेम उसी टर्मिनल में से निकलते हैं जहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इंटरैक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के थ्रू। उसके बाद आ जाता है मेजरमेंट ऑफ करंट। हाउ कैन वी कम टू नो व्हाट करंट हैज़ बीन दैट करंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन द कंडक्टर। हमें कैसे पता लगता है कि करंट आ गया है एक कंडक्टर के अंदर, क्योंकि यूजली तो हम ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं जिनका कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होती, कैपेसिटर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए। तो अब बल्ब हो, लाइट, तो हमें ये पता लग जाता है कि जब बल्ब चल गया तो करंट फ्लो कर रहा है, या कोई बजर हो तो जब वो बज करने लग जाता है हमें पता लग जाता है करंट चल रहा है। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिसके आउटपुट एक्सटर्नल हो, तो हम तब कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो फॉर दिस पर्पस वी यूज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। अब वो कहते हैं इस काम के लिए हम डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो कि हमने इससे पहले स्टडी नहीं किए हुए। गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो कहता है कि दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करेंगे वो हैं गैल्वेनोमीटर और एमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड कैन डिटेक्ट स्मॉल करंट इन अ सर्किट। गैल्वेनोमीटर एक कहते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जो इसकी इमेज आपको फिगर नज़र आ रही होगी साइड पे,
तो ये क्या करता है, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है करंट, और स्मॉल करंट जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है ना उसकी मेजरमेंट कर लेता है, ठीक है। अ करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पेयर्स इज सफिशिएंट टू कॉज फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन इट। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होती है, वो कहता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन होती है कि जब आप कोई रीडिंग लें और आपकी जो नीडल है वो फुल डाइवर्ज कर जाए, मतलब आमतौर पर जीरो पे होती है, और जब फुल यहाँ पे आ जाती है ना आपकी सुई, इसका मतलब है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गई है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू जो हम वैल्यू मैयर कर रहे हैं वो इससे मैयर हो ही नहीं सकती, वो इतनी बड़ी वैल्यू है। तो कहता है कि छोटा सा जो है करंट, मिली एम्पेयर्स का जो करंट है वो भी इसके अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देता है, इतना सेंसिटिव है ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वेल मेकिंग द कनेक्शन पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर शुड बी टेकन इंटू कंसिडरेशन। उसने कहा है कि हमेशा करंट की, करंट मैयर करते हुए इसकी पोलैरिटी हमेशा कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले स्टडी किया था इससे थोड़ी देर पहले, टॉपिक हमने स्टडी किया है कि वो हम क्या कहते हैं कन्वेंशनल करंट यूज़ करते हैं, तो हमें हमेशा इस हिसाब से अपना करंट मेजर करना चाहिए कि वो पॉजिटिव टर्मिनल में आए और नेगेटिव से निकल जाए, ताकि हम कन्वेंशनल करंट को मेजर करें, ठीक है। आमतौर पर वो इक्वल ही होते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को कंसिडरेशन में रखना चाहिए। जनरली द टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विद रेड कलर शोज द पॉजिटिव पोलैरिटी एंड दैट विद द ब्लैक कलर शोज द नेगेटिव पोलैरिटी, एंड आइडियल गैल्वेनोमीटर शुड बी हैव वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस टू पास द मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। अब वो कहते हैं कि इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक दो टर्मिनल्स पॉजिटिव हैं और एक ब्लैक है, सॉरी दो रेड हैं और एक ब्लैक है। तो जो दो रेड हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल्स रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्लैक है वो नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, मतलब इस पूरे डिवाइस की जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए, मतलब जितनी कम हो सके उतनी पॉसिबल हो, ताकि हम मैक्सिमम करंट इसके अंदर से गुजार सकें, ठीक है। आफ्टर सूटेबल मॉडिफिकेशन गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन एम मीटर। अब वो कहते हैं कि जो एम मीटर है, जो ये डिवाइस है, वो गैल्वेनोमीटर की एक दूसरी शेप है, या कह लें दूसरी शक्ल है कह लें, जो कि उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मॉडिफाई करके उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर में। अ लार्ज करंट ऑफ द रेंज सच एज 1 or 10 एम्पेयर कैन बी मेजर्ड बाई मीन्स ऑफ एम मीटर। अब वो कहता है कि एम मीटर के थ्रू आप 1 से लेकर 10 एम्पेयर तक का करंट मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत लार्ज वैल्यू है। लाइक गैल्वेनोमीटर एम मीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, और ये दोनों सीरीज में होते हैं, क्योंकि सीरीज में आपका मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस वो फ्लो करता है, ठीक है। सो द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ऑल्सो पासिस थ्रू द एम मीटर। अब वो कहते हैं कि एक सर्किट है हमारे पास, अब अगर हम इसको पैरेलल में लगा देंगे तो इसके अंदर थोड़ा करंट पास करेगा और बाकी के सर्किट में से सारा करंट पास कर जाएगा, लेकिन जब अगर हम इसको सीरीज में लगाएंगे तो सारा का सारा करंट एम मीटर के अंदर से पास करेगा और हम इसको मेजर कर लेंगे। अब इस सर्किट में उसने क्या लगाया हुआ है, एक बैटरी है, एक नाइफ स्विच है, एक एम मीटर और एक लाइट बल्ब है। तो अब हमने लाइट बल्ब के अंदर से मेजर करना था करंट, तो हमने ये सारा कुछ लगाया। अब स्विच के लिए हमने नाइफ स्विच लगा दिया, और मेजरमेंट के लिए हमने एम मीटर लगा लिया, इससे हमारा करंट मेजर हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस का, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।